हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग सब आप सभी को। और ये मेरा प्यारा सा बुग्गू जो वो पी रहा है अभी इस टाइम, और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया जो स्कूल जाने के लिए तैयार है, और वो हमारी पगली सी वाइफ जो बर्तन धो के है कर रही है। गांव में रहता हूँ अभी, देख लो आप सभी, टीन में रहता हूँ और सर्दी बहुत पड़ती है यहाँ पे। और अभी वही सब चाय नाश्ता बनने जा रहा है, दिन में निकलूंगा तो कहीं रास्ते का ब्लॉग आपको सुंदर कर लेते हैं। ये का है भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा गिर गई चीजी, भांगड़ा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिन के बाद मैं आज मोबाइल हाथ में उठाई हूँ। अरे कुछ कुछ क्लिप मेरे पास बचे हुए थे तो मैंने सोचा एक ब्लॉग डाल देती हूँ एडिटिंग करके, क्योंकि एडिटिंग करने में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, आप लोगों को पता है ना। प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट बार मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ। थोड़ी बहुत इसमें होगा जो बाबू का छठी मना ये सब, तो आप सब बने रहना ब्लॉग के लास्ट तक। जो लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ। और ये देखिए, ये मेरा बाबू का फोटो है जो एक दो टिक था, ये हॉस्पिटल का ही है, जन्म लिया था वैसे ही, एक घंटे दो घंटे बाद का ये सब है। और तो हॉस्पिटल में 24 घंटे रखा था, उसके बाद छुट्टी दे दी थी, तो उसके बाद अकेले पड़ जाने पर मैं कुछ नहीं कर पाई, ना शूट कर पाई और ना ही कुछ कर पाई। सबको पता है मैं अकेले ही रहती हूँ, हमेशा ही अकेली हूँ जिंदगी में, पता नहीं कब तक अकेली रहूँगी। वैसे माने तो अकेली तो नहीं हूँ, है ना, तीन तीन बच्चे हो गए प्यारे प्यारे, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड हैं इतने अच्छे इतने प्यारे, जो कि हर कोई चाहता है ऐसा ही। और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरा छोटा वाला बाबू बहुत काए काए नहीं रो रहा है। तो ये देखिए, ये जब हम और बच्चे जब घर आते हैं ना तब का ये वीडियो है। और यहाँ पे ना कुछ रस्म की जाती है, यानी चार दिन पे इसको चरुआ कहते हैं, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, जो यहाँ के उन लोग को पता है और मुझे उतना नहीं पता है। तो ये उन्हीं लोग बना रहे थे और धूमधाम से कहीं कहीं होता है, नाच गान भी होता है, बट मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत जो गाना था वो हो गया। ये छठी का दिन का ब्लॉग है। थोड़ी थोड़ी मैं शूट बाहर तो जाना था नहीं, तो मैं किसी और से करवा रही थी। ये बर्तन ला के रखे हुए थे हलवाई के यहाँ से, टेंट से, मतलब हलवाई लगवा दिए थे क्योंकि बनाने वाला कोई था नहीं, और थे भी तो मतलब यहाँ तो अगर किसी को भी बोल दो तो सब लोग आकर बना देते हैं, मिलकर बनाते खाते हैं। वैसे भी बनाए भी थे हलवाई, सिर्फ सब्जी बनाए और हाँ सिर्फ सब्जी दो तीन रंग का सब्जी था, वही दो रंग का, तो वही लोग बनाए। और पूरी के लिए सारे लोग गांव वाले ही मिल के आटा लगाए बनाए। हाँ बेटा, मेरा बाबू हो जाने पर दोनों बाबू मेरा बहुत परेशान करता है, ले तो ये देखिए यहाँ लोग कढ़ी बना रहे थे। यहाँ छठी में कढ़ी बनता है, हम लोग तरफ है ना बिहार में, पांच छह रंग का सब्जी बनता है, दाल चावल बनता है, बट यहाँ नहीं, यहाँ कढ़ी चावल पूड़ी सब्जी ऐसे बनता है, मट्ठा का आलू की सब्जी सूखी सब्जी ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी अंदर चौकी पर बैठकर तख्त पर से, बट नहीं बन पाया था। तो ये देखिए यहाँ पे ढेर सारा आपको राख का ढेर नज़र आ रहा होगा, तो
तो ये राख बहुत मतलब 11 दिन 20 दिन सावा महीना ऐसे रखा जाता है, बाहर धुआं करते रहे 24 घंटा भी, मतलब हमेशा धुआं करते रहना चाहिए। छठी के दिन बूतना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो ये देखिए बाहर हलवाई बैठे हुए थे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ही है, मैं किसी और को दी थी ना तो उन लोग को समझ नहीं आया होगा, अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो जैसे भी हो जो भी हो, मेरा टूटा हुआ घर आशियाने में एक बार फिर से मेरे बाबू का बज गया बाजा। बहुत शौक था बिहारी सोहर बजाने का, तो मैं तो बजाई इस दिन और बहुत अच्छा भी लगा। ब्लॉग इसलिए नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, ये व्यूज आते नहीं हैं, सारे वॉच टाइम ख़त्म हो गए। अब थोड़े बहुत सब्सक्राइबर जो हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी डालती हूँ कि जाओ कम से कम मेरे बच्चों का यादगार तो है इसमें, है ना। और आज तो मेरे बाबू का भी 22-23 दिन हो गए, ये छठी का खाना है, सारे लोग खा रहे थे रात में। तो बाबू मेरा सतैसा में है, यहाँ पे लोग सतैसा को मूल कहते हैं, मेरे तरफ हमारे तरफ बिहार में छठी सतैसा कहते हैं। तो ये मनेगा कब मनेगा तो नहीं पता, बट बहुत जल्द मनेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।